अर्जुन फाउंडेशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार एवं स्वयं रोजगार मेला व जिलाधिकारी कार्यालय एवं नागपुर नगर निगम द्वारा आयोजित युवा अधिकारिता शिखर सम्मेलन का आयोजन 17 से 19 फरवरी 2023 तक किया गया है। फॉर्च्यून फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल सोले ने आयोजित पत्र परिषद में बताया कि इस रोजगार मेले का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करेंगे। इस मौके पर मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, मंगल प्रभात लोढ़ा, अतुल सावे, चंद्रशेखर बावनकुले मौजूद रहेंगे। इस रोजगार मेले में विभिन्न क्षेत्रों की 100 कंपनियां सहभागी भाग लेंगे। कौशल विकास योजना के तहत 45 कंपनियां आएंगी। इस रोजगार मेले में 5000 से अधिक रिक्तियों पर सीधे साक्षात्कार के माध्यम से नियुक्तियां की जाएंगी। इस सभा के माध्यम से एक युवा को अधिकतम 5 कंपनियों में साक्षात्कार देने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने वाले स्टॉल भी लगेंगे। राष्ट्रीयकृत बैंकों के स्टॉल भी लगेंगे। अनिल सोले ने बताया कि स्टार्टअप्स और मुद्रा लोन के संबंध में जानकारी और मार्गदर्शन देने के लिए मेंटर उपलब्ध रहेंगे। इसी प्रकार स्वरोजगार के लिए आवश्यक मशीनरी प्रदर्शित की जाएगी। इसके अलावा VTP के स्टॉल भी लगेंगे। तीनों दिन तक विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य लोग मार्गदर्शन करेंगे। युवाओं के हुनर की पहचान कर उन्हें स्वरोजगार में दक्ष बनाना बड़ा काम है। इस रोजगार मेले का उद्देश्य युवाओं में कौशल विकास कर उन्हें व्यवसाय में दक्ष बनाना है। अध्यक्ष अनिल सोले ने अपील की है कि इस रोजगार मेले में अधिक से अधिक संख्या में युवा शामिल हो। जो युवा इस रोजगार मेले में भाग लेना चाहते हैं वे www.yesnagpur.in और वेबसाइट पर जाकर www.rozgar.mahaswayam.gov.in पर अपना रजिस्ट्रेशन कराए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंह तुली, कुणाल बडोले, संदीप जाधव, आशीष वडीले, अशोक सायरे, विजय फडणवीस सहारा मौजूद थे। युवाओं का सम्मान गणमान्य लोगों ने स्वरोजगार की शुरुआत करने वाले और इसमें सफल होने वाले युवाओं को सम्मानित किया। अनिल सोले ने बताया कि शिखर सम्मेलन का समापन रविवार 19 फरवरी को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया जाएगा। इस वर्ष भी आने वाले 17, 18, 19 फरवरी को स्थानिक आमदार निवास में युवकों के लिए रोजगार की संधि मुहैया कराने के लिए बहुत बड़ा यूथ एम्पावरमेंट समिट का आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन महाराष्ट्र के लाडले उपमुख्यमंत्री आदरणीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस इनके शुभस्ते होने जा रहा है। इस आयोजन में 100 के ऊपर कंपनी यहाँ आ रही है और बेरोजगार युवकों की के इंटरव्यू वो कंपनी यहाँ लेने वाली है। उसके साथ साथ यहाँ बैंकों के स्टॉल्स रहेंगे जिसमें मुद्रा बैंक, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया लोन, उसकी फैसिलिटीज़ किस प्रकार से दी जा सकती है इसकी जानकारी भी और युवकों को मुहैया कराई जाएगी। उसके साथ साथ राज्य शासन और केंद्र शासन के विविध और विभिन्न विभागों के स्टॉल्स भी यहाँ रहेंगे, जो अपनी योजनाओं का और मार्गदर्शन, योजनाओं की जानकारी युवकों को यहाँ देंगे। उसी प्रकार से यहाँ विभिन्न मशीनरीज का भी प्रात्यक्षिक होने वाला है, जिसके माध्यम से युवक छोटे उद्योग 5 और 7 लाख रुपए में खड़े हो सकते हैं, ऐसे उद्योग खड़े करने के दृष्टिकोण से भी वो मशीनरी का प्रेजेंटेशन यहाँ निश्चित रूप से उसका लाभ लेंगे। इस आयोजन में एक विशेषता है कि इस वक्त हमने जो पिछले 5 साल में जिन युवकों ने और खुद का उद्योग खड़ा किया, भले ही वो स्नैक्स का सेंटर हो, पर्यावरण का कोई विषय हो, कोई ब्यूटिशियन का विषय हो, या फिर कोई बड़ा उद्योग खड़ा किया हो, इंडस्ट्री खड़ी की हो, स्टार्टअप खड़ा किया हो, या तो फिर कोई कंपनी स्थापन की हो, ऐसे युवकों का सत्कार माननीय मान्यवरों के माध्यम से इस वर्ष होने वाला है। इस प्रकार का आयोजन और फॉर्च्यून फाउंडेशन के माध्यम से इस वर्ष पहली बार हो रहा है। इस सब आयोजन का समारोह आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन जी गडकरी ये 19 तारीख को सुबह 11 बजे करने वाले हैं। मैं आपके माध्यम से युवकों को आह्वान करता हूँ कि आप बड़े प्रमाण में हमारी जो वेबसाइट है www.yesnagpur.in पे जाकर के रजिस्टर कीजिए और इस सुवर्ण संधि का लाभ अवश्य लीजिए। ये पूरा रजिस्ट्रेशन निःशुल्क है और यहाँ कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 5 कंपनियों में उनको इंटरव्यू कराने की व्यवस्था हम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़, नागपुर।